गुड इवनिंग, वेलकम टू अपेक्स इंग्लिश क्लास विद मी आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड ऑल बैंक एग्जाम्स इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हर रात 7 बजे हम लोग मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी बैंक या फिर इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपके लिए फ्री क्लासेस डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ 2024 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगा इन क्लासेस के थ्रू। आपको किसी भी यूट्यूब टीचर का पेड बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश के लिए। सो आज हम बात करने वाले हैं एरर डिटेक्शन की। आज हम एरर डिटेक्शन के एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, एंड वीडियो को एक लाइक दे दीजिए ताकि आगे भी डेली बेसिस पे आपको ये वीडियोज शो होती रहें। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्लास। सबसे पहले एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपकी दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज इंग्लिश ग्रामर। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप क्विकली आप क्वेश्चंस में एरर ढूंढ पाओगे, आप जल्दी से जल्दी सही आंसर को मार्क कर पाओगे, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। तो इंग्लिश ग्रामर के आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए जो भी बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी आपको स्पीड ग्रामर बुक रिकमेंड कर दी है, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स दे रखे हैं। आज से अगर आप डेली उसमें से 3 पेजेस पढ़ोगे उस ई बुक में से, तो 1 वीक में आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है, उसकी ग्रामर वीक है, वो इंग्लिश ग्रामर की जो स्पीड ग्रामर बुक है उससे आज से जरूर जरूर पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। अब मॉक में जो इंग्लिश का लेवल है वो एग्जाम के लेवल से बहुत ज्यादा अलग होता है, या जो आप टेलीग्राम पे आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो फ्री की पीडीएफ में, उसमें भी वैसे क्वेश्चन नहीं होते जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी आपके पास ऑलरेडी सोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं जो मैंने सजेस्ट किया था, टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। उसमें सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एरर डिटेक्शन के लिए। अब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम लेवल का है ये मैंने उठाया है क्वेश्चन टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से, जो मैंने अभी आपको सजेस्ट भी करी। इसमें बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन गिवेन है, अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे कम टाइम में। सबसे पहले मैं डायरेक्शंस पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 सेंटेंसेज आर गिवन एंड यू हैव टू चूज द वन विच हैज सम और एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। कोई एरर होगा किसी एक सेंटेंस में, आपको उस सेंटेंस को मार्क करना है, उसको सेलेक्ट करना है जो सेंटेंस इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली। इफ ऑल द गिवन 4 सेंटेंसेज आर करेक्ट, अगर सारे सेंटेंस करेक्ट हैं, तो आपको ऑप्शन ई को मार्क करना है, यानी कि ऑल आर करेक्ट। तो ये हमारे सामने ए बी सी डी ई, ये 5 ऑप्शन है, इसमें से एक को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें एरर है। अगर किसी में एरर नहीं है तो ऑप्शन ई को सेलेक्ट करना है। अब मैं ये फर्स्ट सेंटेंस रीड कर देता हूँ। द गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड दैट द फॉर्म 27 फॉर्मेट वॉज प्रॉब्लमैटिक एंड प्रोवाइडेड एन अंडरटेकिंग टू द कोर्ट टू इफेक्ट एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स। अब इसको रीड करके हमें इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं मिला है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव ऑन करते हैं। ऑप्शन बी, ओपेसिटी इन कम्युनिकेशन इज डेंजरस वेन देयर इज हाई वैक्सीन हेसिटेंसी। ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग शुड नो सूनर इरेज इट्स कॉलोनियल पास्ट, द बीजिंग शुड डिमोलिश द फॉरबिडन सिटी। तो अब यहाँ पे एक नो सूनर वर्ड यूज हो रखा है, ठीक है, जिसकी ग्रामर स्ट्रांग है उसे पता होगा कि जब भी नो सूनर वर्ड आता है तो उसके साथ एक वर्ड आता है उसी सेंटेंस के अगले पार्ट में जिसका मतलब है देन, THAN, ये वर्ड होना चाहिए यहाँ पे। हांगकांग शुड नो सूनर इरेज इट्स कॉलोनियल पास्ट देन, यहाँ पे दी से पहले देन आना चाहिए, देन बीजिंग शुड डिमोलिश द फॉरबिडन सिटी। सो द की जगह यहाँ पे देन आना चाहिए, इसी में एरर है सेंटेंस में, ऑप्शन सी को आप मार्क कर दोगे, आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम में। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो आप क्विकली आंसर को फाइंड कर लोगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको स्पीड ग्रामर बुक में एक्सप्लेन कर रखी हैं, स्पेशली एरर डिटेक्शन का अलग से एक उसमें चैप्टर है, तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन वहीं से करी थी। नेक्स्ट, द ग्रोथ कॉनुंड्रम दैट कांति भाई एंड सुरेश भाई प्लान टू सॉल्व इज परहैप्स द सेम विच अ मेजोरिटी ऑफ MSME ओनर्स इन द कंट्री फेस। ऑप्शन बी भी मैं रीड कर दे रहा हूँ।
इंडिया नीड्स अ नेशन वाइड कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन, इसमें कोई भी मुझे मिस्टेक नहीं दिख रही। ऑप्शन सी मैं रीड कर रहा हूँ, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। जो स्टूडेंट इंग्लिश में स्ट्रांग है उसे अभी तक इसका सही आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको अभी तक नहीं पता चला। ऑप्शन ए, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या इसमें एरर है ग्रामर में? तो देखिए, इसमें शुरू में दे रखा था ग्रोथ कॉनंड्रम दैट कांतिबाई एंड सुरेश भाई प्लान टू सॉल्व इस पर एप्स द सेम विच आर मेजोरिटी ऑफ एमएसएमई ओनर्स इन द कंट्री। तो इसमें हमने शुरू में बात हुई है कि एक प्लानिंग हो रही है किसी चीज को सॉल्व करने की, तो जो वो प्रॉब्लम है वो अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। यानी कि इस सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है जहाँ लिखा है विच आर मेजोरिटी ऑफ एमएसएमई ओनर्स इन द कंट्री, इसके आगे फेस नहीं आएगा लास्ट वर्ड, इसकी जगह आएगा इन दी कंट्री आर फेसिंग, फेस की जगह आर फेसिंग आएगा। मेजोरिटी ऑफ एमएसएमई ओनर्स इन दी कंट्री आर फेसिंग, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी चल रही है, तभी वो लोग प्लान कर रहे हैं आगे सॉल्व करने का। ठीक है, अब जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी है इसकी प्रैक्टिस के लिए, टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश जहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और स्पीड ग्रामर बुक का भी, मतलब वो सारी बुक्स का एक सेट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, ये टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से ही है। सेंटेंस ए बी सी डी ई, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। स्टेटमेंट ए, द गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली वीकेंड द क्रिटिकल ड्यूटी इम्पोज बाय द लॉ ऑन पेटेंटीज लाइसेंसीज टू डिस्क्लोज पेटेंट वर्किंग इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में हमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखने को नहीं मिली है। ऑप्शन बी, टू मच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हैज रॉब्ड इंडिया ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक एक्सुबरेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायनेमिज्म। सो इसमें भी कोई हमें ग्रामेटिकल एरर देखने को नहीं मिला है। कोर सेक्टर्स रिकॉर्डेड येट अनदर कॉन्ट्रैक्शन इन नवंबर विद सीमेंट एंड स्टील स्लिपिंग बैक आफ्टर अ माइनर अपटेक। इसमें भी कोई अभी तक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। ऑप्शन डी, मैनी ऑफ हिज पीसेस हैव डिजाइंस इनसाइज्ड और इन रिलीफ एंड अदर्स आर स्किलफुल डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। सो ऑप्शन डी जो है इसमें एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हमने देखने को मिल गई है, हमने पकड़ ली है कि जो एक आदमी के जो डिजाइन है उसके बारे में बात हो रही है एंड अदर्स आर स्किलफुल डेकोरेटेड, इंस्टेड ऑफ द वर्ड स्किलफुल यहाँ पे होना चाहिए आर स्किलफुली डेकोरेटेड। स्किलफुली विल बी दी करेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ स्किलफुल इन स्टेटमेंट डी। तो ये ग्रामेटिकल एरर है, दिस इज द ग्रामेटिकल एरर। ऑप्शन डी यू विल हैव टू मार्क इन द एग्जाम। तो आपको ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर देनी है, इसके लिए बेस्ट सोर्स मैंने आपको दे दिए हैं ये तीन जो ई बुक्स हैं, इससे आपकी इंग्लिश की किसी भी बैंक एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सिर्फ इन्हीं से डेली प्रैक्टिस करी थी बार 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 बार। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करे वो जो मिडल में आपको बुक दिख रही है येलो कलर की उसी में से मैंने पिक करे थे, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस इसमें गिवन है। और स्पीड ग्रामर जो बुक है, जो आपको थर्ड वाली बुक दिख रही है, इससे आपको डेली आज से 3 पेजेस पढ़ने हैं ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। ओके, सो वर्ड ऑफ द डे, हम डेली एक वर्ड ऑफ द डे रखते हैं, उसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूँ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। तो आज का वर्ड है वेन, टू ग्रो लेस इन स्कोप और इंटेंसिटी एस्पेशली ग्रेजुअली। जब कोई चीज धीरे धीरे कम होती जाती है ग्रेजुअल मैनर में तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेन। इसका सिनोनियम क्या है? इसका सिनोनियम है अबेट, और इसका एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या है? ग्रो। तो अबेट का मतलब है डिक्रीज होना, वेन का भी मतलब है डिक्रीज होना, एंड ग्रो का मतलब है इंक्रीज होना। सो दिस वॉज द वर्ड ऑफ द डे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज क्लास। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए वो बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं। ई बुक्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आज से आप इससे डेली पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपनी ग्रामर पढ़िए डेली बेसिस पे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के, ताकि जब आप SBI क्लर्क एग्जाम देने जाएं जो अभी आने ही वाला है, या फिर कोई भी बैंक एग्जाम जो आप 2024 में टारगेट कर रहे हो उसकी आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाए। मैंने पहले भी बता दिया है इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल फिर से 7 बजे हम मिलेंगे एक और क्लास में, और कल हम एरर डिटेक्शन के और क्वेश्चंस लेके आएंगे और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।